Rawalpindi Express has left the station. जी अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल। और हम स्टूडियो पहुंच चुके हैं। स्टूडियो में जरा दिखाओ जोश और खरोश कैसा है भाई, दिखाना जरा। वाह, पाकिस्तान फाइनली हैज मैनेज टू विन द मैच अगेंस्ट इंडिया इन द वर्ल्ड। मिथ टूट गई है, मिक हमने निकाल दिए इंडिया की। हम मौसम कौम की तरह बढ़ के नहीं मारते मैच से पहले। कोई ये नहीं कहते हमें वॉक ओवर मिल जाएगा, पाकिस्तान को हम उखाड़ देंगे, पछाड़ देंगे। एक मौसम कौम की तरह हमने चुप करके मैच खेला है, कॉम्प्रिहेंसिव विन हमने ली है और इंडिया को ये बता दिया है यू आर अप अगेंस्ट वन ऑफ द मोस्ट फॉर्मिडेबल नेशन ऑफ दिस प्लैनेट, नॉट जस्ट अ क्रिकेट टीम। पाकिस्तान जिंदाबाद। गेम ऑन है, गेम ऑन है। और गेम ऑन ही नहीं है ना, ये मेरा यूट्यूब चैनल। ओके ओके, सही बात है। अच्छा, आज ऑन ही है, आज ऑन है, गेम ऑन है। बट इन डिफेंस ऑफ इंडिया, डिफेंस इंडिया के डिफेंस में यही कहूंगा कि बॉल बहुत गीला हो गया था। टॉस हारना एक अच्छा शुगर नहीं था। बट आई रियली वॉन्ट इंडिया टू सी इन द फाइनल अगेंस्ट पाकिस्तान। बट पाकिस्तान हैज फाइनली मैनेज जो पाकिस्तान को करना चाहिए था। अगेन मैं ये कहता हूँ कि पाकिस्तान के लिए वर्ल्ड कप अब शुरू हुआ है, ये एंड नहीं है पाकिस्तान का, ये पाकिस्तान का अभी बिगनिंग है। प्लीज, पाकिस्तान इज वन ऑफ द मोस्ट फॉर्मिडेबल साइड इन द वर्ल्ड व्हेन इट कम्स टू T20। इसको फाइनल खेलना चाहिए, पाकिस्तान का सफर खत्म नहीं हुआ। बट वेल डन शाहीन शाह, छा गया चीते, शाहीनों की तरह पड़ गया। दो डिलीवरी की है, पता नहीं लगा। और उसके बाद चिरागों में रोशनी। तो पाकिस्तान, मैं सबसे ही गुजारिश करूंगा, जिस तरह इंडियंस की टीवी ने बिहेव किया पाकिस्तान के अगेंस्ट, आपने ऐसा बिहेव नहीं करना। आपने बिल्कुल मौजब कौम की तरह जीत को सेलिब्रेट करना है। और हम पाकिस्तान एज अ फाइनलिस्ट खेलना चाहते हैं इस T20 वर्ल्ड कप में। जितनी बातें हुई आज आपने देख लिया, एक विकेट नहीं ले सके आप, एक भी विकेट आप नहीं ले सके। अब मैं इस पर क्या कहूँ आपको। बट एनी वेज, माई फैंस अराउंड द वर्ल्ड, पाकिस्तान इज वन ऑफ द काइंड टीम जो किसी को भी कुछ कर सकती है, तो इसलिए इस पे शर्त लगाना जायज नहीं है। समझ आई बात को? एनी वेज, बाबर आजम और रिजवान बहुत कमाल का खेले हैं, बहुत कमाल, रिस्क फ्री। और उनको पता था कि टॉस जीत गए हम इनको रिस्ट्रिक्ट करेंगे 150 पे, और जब इन्होंने रिस्ट्रिक्ट किया थोड़ा आसान लिए तो जोर लगाते तो ये 100 से भी नीचे आ जाते इंडियन टीम। बट अगेन मैं समझता हूँ पाकिस्तान प्लेड अ वेरी कॉम्प्रिहेंसिव क्रिकेट और कोई चांस दिया इंडिया को मैच में आने का। बट ग्लैड टू सी दैट यू नो MS धोनी स्टैंडिंग विद बाबर आजम एंड टॉकिंग, ये दिखा दें। एंड यू नो द लॉट ऑफ रिस्पेक्ट दिस गाय पोजेसेस, यू नो उसकी टीम उसका साथ ना दे सकी, अनलकी रहे। और अच्छा दिख रहा है कि पाकिस्तान के खिलाड़ी इंडियन खिलाड़ी इंटरेक्शन कर रहे हैं। एक दूसरे की इज्जत जरूर कीजिए, एक दूसरे को बुरा भला मत कीजिए, कहिए। और इट इज़ इम्पोर्टेंट दैट यू नो पाकिस्तान कीप ऑन विनिंग। और बहुत अच्छा लगा मुझे और दिल को खुशी इसलिए हुई कि जो हम नहीं कर सके, बड़े नहीं कर सके, हमारे छोटों ने कर दिखाया। अब छोटे क्या हुआ है आपके? छोटे भाई, हम कोई गलत बात नहीं कहेंगे इंडियंस के बारे में। बस आप भी कोशिश करें इंडियंस फाइनलिस्ट तक पहुंचने की, और हम भी कोशिश करते हैं। हमारा अब जो मेन मुद्दा रह गया है, जो हमारा मेन गुस्सा रह गया है, वो कौन है भाई? न्यूजीलैंड। एक हमारा गुस्सा निकल चुका, एक हमारा रह गया। इन गोरों को हमने नहीं छोड़ना। क्यों जी? नहीं छोड़ना। अब हम तुम्हें जेन्युइन ईमेल भेजेंगे हारने के बाद। लव यू ऑल, दिस इज शोएब फॉर यूट्यूब चैनल। एक्सप्रेस हैज लेफ्ट द स्टेशन, दैट्स फॉर श्योर।